अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर कपलिंग कोलिजन और कपलिंग में। जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे मोटिव हमारा क्या होता है? हमारा मोटिव ये होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें। जब हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो हम जब उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाएंगे तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर हम एरर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? तो हम उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उस सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू। जब हम उनको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हम आराम से उसके अंदर से एरर को या जो बग है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एक बात ये, अच्छा अब एक बात आती है, हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी? हम एक सॉफ्ट बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को माइंड के अंदर रखें, कपलिंग और क्लूजन। जब हमने कुछ डिज़ाइन करना है, एक सॉफ्टवेयर जब हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उसके अंदर से एरर, अब जब हम उसको रन अप करेंगे तो उसके अंदर से एरर भी आएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करता हूँ एक मीडिया प्लेयर की। मैंने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था मीडिया प्लेयर का, तो उसके अंदर से जब मैंने उसको रन किया तो उसके अंदर एरर आ रहा था। तो अब उसको मैंने उसको बेसिकली हम मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमने चेक करना है कि उस सॉफ्टवेयर में कौन से मॉड्यूल में एरर है। तो इधर मॉड्यूल्स में ज़रूरत आती है कपलिंग और कोलिजन की। स्टूडेंट्स आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हो ना? अच्छा अब हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें कोलिजन को हायर रखना है और कपलिंग को मिनिमम रखना है, ठीक है। अब व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन क्या है? कोलिजन है हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड का क्या मीनिंग है? इंटीग्रेटेड का मीनिंग है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट्स के साथ आपस में कितने इंटीग्रेटेड हैं, और वो जो इंटीग्रेटेड होंगे वो उनकी फंक्शनैलिटी पर डिपेंड होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता। एक बात ये, हायर क्लूजन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और लो कपलिंग। अब ये कपलिंग है क्या? जब हमारे पास एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स दूसरे मॉड्यूल के एलिमेंट्स को के ऊपर ना रखें, अगर एक मॉड्यूल में एरर आ जाते हैं तो हमें दूसरे मॉड्यूल को भी ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए लूजली कपलिंग इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। क्या हम सिर्फ एक उस मॉड्यूल के ऊपर ही फोकस करें? अगर हम इस मॉड्यूल में कुछ चेंजिंग करें तो उस मॉड्यूल में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इस तरह डिसएडवांटेज हो जाएगा कि अगर ये मॉड्यूल ख़राब है तो दूसरा मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स का मीनिंग है कि मॉड्यूल का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर इतना डिपेंडेंसी ना रखे। जब वो डिपेंडेंसी की बात आती है तो वहाँ डिसएडवांटेज आ जाते हैं। तो अब जब कोलिजन की बात करते हैं, मैं वापस उस टॉपिक पर आ रहा हूँ कि हम कोलिजन की बात करते हैं कि कोलिजन का मतलब है कि हर एलिमेंट एक मॉड्यूल के अंदर हर एलिमेंट अपना वर्किंग कर रहा है, लेकिन वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट एक एलिमेंट की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड कर रहा है। इस एलिमेंट की फंक्शनैलिटी उस एलिमेंट की फंक्शनैलिटी से मैच कर रही है, इट्स कॉल्ड कोलिजन। मैक्सिमम कोलिजन होनी चाहिए कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, एक मॉड्यूल के अंदर कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये हो गया कोलिजन। और कपलिंग में एक मॉड्यूल के दूसरे एलिमेंट के साथ इतनी नहीं होनी चाहिए,
दूसरे के इंटीग्रेट वो कम होनी चाहिए। तो लूजली कपलिंग इज अ गुड सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली टॉपिक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कपलिंग और क्लूजन। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर, मैं थोड़ा फर्दर बात करता हूँ टाइप्स पर। अब टाइप्स क्या है? एक तो फंक्शनल क्लूजन है। फंक्शनल क्लूजन का मतलब है कि एक मॉड्यूल के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया फंक्शनल क्लूजन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सीक्वेंस क्लूजन। सीक्वेंस का क्या मतलब है? एक एलिमेंट की इनपुट दूसरे एलिमेंट की आउटपुट बन जाए, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। अब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लूजन का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों मॉड्यूल, दोनों एलिमेंट्स एक ही डेटा पर कम्युनिकेट कर रहे हो, दोनों एलिमेंट्स एक ही डेटा पर कम्युनिकेट कर रहे हो, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन क्लूजन। और प्रोसीजरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर? हम प्रोसीजरल का इस मीनिंग से निकाल सकते हैं कि हमने जो हम टास्क परफॉर्म करें वो एक प्रोसीजरल वे पर परफॉर्म करें, कि टास्क ए को फर्स्ट करें, टास्क बी को सेकंड, एक प्रोसीजरल वे पर करें। उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर जो हम टास्क परफॉर्म करें वो एक प्रोसीजरल वे पर करें। व्हाट इज टेम्पररी? टेम्पररी का मीनिंग है कि एक्स और बोथ हो, व्हेन द एलिमेंट एक्स एंड वाई बोथ मस्ट बी परफॉर्म अराउंड द सेम टाइम। जो एक्स एंड वाई हो वो जो एलिमेंट्स हो ऑन द सेम टाइम पर परफॉर्म करें, इट्स कॉल्ड टेम्पोरल कोलिजन। और कोहेंसेंस का मीनिंग होता है, कि एक्स का डेटा चेंज करे वाई। तो ये तो कुछ टाइप थी कोलिजन की। अब टाइप बात करते हैं कपलिंग की। व्हाट इज कपलिंग? कपलिंग है कि एक मॉड्यूल हमारे पास ए है और एक मॉड्यूल बी है, जो ए मॉड्यूल है वो बी के एलिमेंट्स पर इतनी इंडिपेंडेंस ना रखे, हाँ लूजली रखे। जो ए का एलिमेंट, एक मॉड्यूल है ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लूजली कपल होने चाहिए मॉड्यूल बी के एलिमेंट्स के साथ। हाँ, अब हम डेटा कपलिंग की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं डेटा कपलिंग। व्हाट इज डेटा कपलिंग? अब डेटा कपलिंग क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज डेटा कपलिंग? डेटा कपलिंग का मीनिंग है कि एक जो एक्स एंड वाई डेटा वो कम्युनिकेट करे एक ही डेटा पर, इट्स कॉल्ड डेटा कपलिंग। स्टैम कपलिंग का मीनिंग है कि एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई का मॉड्यूल है वो सेम डेटा स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम सेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कौन सी कपलिंग है जहाँ दोनों मॉड्यूल एक्स और वाई सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, वो स्टैम कपलिंग है। ये बहुत सारा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉइंट ये माइंड में रखिएगा। और कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल्ड का मतलब है कि एक्स और वाई कंट्रोल करें लाइक अ फ्लैग। तो ये टॉपिक था, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कपलिंग क्लूजन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, हम जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का पर्पस होते हैं, हम उसको बनाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन बनाया विंडो प्लेयर का डिज़ाइन बनाया। जब हम उसको मॉड्यूल्स में, हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ना विंडो प्लेयर, तो अब जब उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर, हम उनको डिवाइड कर लेंगे, तो हम ये नो हम फिर हमारे हमारे पास ऑप्शन आसानी हो जाएगी, हम उसके अंदर से एरर आराम से सॉल्व कर सकेंगे ना स्टूडेंट। तो हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसको एक एक मॉड्यूल चेक करेंगे कि अब किस में एरर आ रहा है, कि प्ले का बटन नहीं दब रहा है, स्टॉप का बटन नहीं दब रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लूजन और कपलिंग। हमने क्या करना है स्टूडेंट, हायर द क्लूजन और लोअर द कपलिंग। थैंक यू।
और मेरा चैनल ज़रूर लाइक करेगा और ये वीडियो लाइक करेगा। थैंक यू।